हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसक्यूएल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। वैसे तो टेक्स्ट फंक्शन में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बट आज हम सिर्फ लेन, लेफ्ट और राइट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या काम करता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन टाइप, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई कि ये क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका मतलब ये होता है कि एक सेल में रखी हुई कोई वैल्यू, टेक्स्ट या नंबर, उसकी अंदर कितने कैरेक्टर हैं, यानी अगर नंबर है तो कितने नंबर आ रहे हैं, टेक्स्ट है तो कितने अल्फाबेट्स उसके अंदर आ रहे हैं, वो काउंट करके देता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ये बोलता है टेक्स्ट, यानी इसका रेफरेंस क्या देंगे हम, तो इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि 8 कैरेक्टर हैं इस सेल के अंदर। इसी तरीके से मैं इसको ट्रैक कर देता हूँ। अब देखेंगे हर जगह पर 8 रिजल्ट आ रहा है, बट अगर मैं किसी कोड के अंदर कोई चेंजेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। बट मैं यहाँ पे दोबारा से पहले जैसा कर देता हूँ। लेफ्ट फंक्शन किस तरीके से काम फंक्शन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये इस सेल के अंदर 8 कैरेक्टर है। अब मुझे कितने कैरेक्टर लेफ्ट से निकाल कर इस पोजीशन पर लाने हैं। अगर मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं लेफ्ट से सिर्फ 3 कैरेक्टर ही निकाल के लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस सबसे पहले टेक्स्ट का मतलब ये सेल सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे साइड से निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट किया, एंटर प्रेस करूँगा। देखिए तो यहाँ पे इसको ट्रैक करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे सभी कोड्स के अंदर से लेफ्ट में से 3 कैरेक्टर निकल कर मुझे यहाँ रिजल्ट दे रहा है। सेम अगर मुझे राइट में से निकालना है तो मैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर राइट से निकालना चाहता हूँ, तो राइट फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं और इस सेल का रेफरेंस दिया और नंबर ऑफ कैरेक्टर, अब मैं 5 नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस किया और यहाँ पे इसको ड्रैग करके मैं रिजल्ट ले आता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने तीनों फॉर्मूलेस का यूज़ किया है और जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो निकाल लिया। ये सेल में जो कोड है वो अलग अलग इसलिए कर रखा है ताकि जो सी है ये कोई प्रोडक्ट का कोड हो सकता है, सेम बाकी जो 2 कैरेक्टर हैं ये डेट के हो सकते हैं और यहाँ पे जो है ये हो सकता है यूनिवर्सल कोई कोड हो, तो ये कंबाइन है यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ तो इसको किस तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेपरेट करके दिखाया है लेफ्ट और राइट फंक्शन के यूज़ से। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले MIS की वीडियोस की अपडेट आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।